कुश वाजपेयी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दर नहीं बढ़ेगी। एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दर नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है, यानी मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन की दरों पर ही 31 मार्च 2022 तक संपत्तियों की रजिस्ट्री होगी। वहीं एमपी की 5000 नई जगहों पर दरें निर्धारित की जाएंगी। नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दरअसल राज्य में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फीस 19 से 20 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव मूल्यांकन बोर्ड ने जून में सरकार को दिया था। इसे 1 जुलाई से लागू किया जाना था, लेकिन सरकार ने पहले 15 जून और फिर 31 जून तक मौजूदा गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री फीस लेने का फैसला किया था। अब सरकार ने इस वर्ष गाइडलाइन की दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला लिया है। मूल्यांकन बोर्ड ने प्रदेश की 25 लाख लोकेशन पर 5 से 40% तक दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे हरी झंडी नहीं दी थी और 31 जुलाई तक गाइडलाइन बढ़ाने के फैसले को टाल दिया था। दरअसल कोरोना काल में ठप पड़े रियल एस्टेट कारोबार को रफ्तार देने के लिए ये कदम जरूरी भी था। अब देखना है कि खाली खजाने को भरने की बजाय सरकार के निकाय चुनावों की चिंता में जो फैसला लिया गया है, उसका उसे चुनाव में कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN।